मतलब बीजेपी से आप नाराज हैं? अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हम किसी के प्रचार में लगा दें और फिर उनकी कोई पहचान न बने या कोई उनका वजूद न माने, तो उससे हमारा या हमारे दल का कोई लाभ नहीं। लेकिन अखिलेश यादव की एक स्टेटमेंट से आपने काफी दिन तक उनसे दूरी बनाए रखी थी, कुंडा को लेकर जो उन्होंने कहा था। बीच में कुछ तलखी आ गई थी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन समय के साथ वो दूर हो गए। कई सीटें ऐसी हैं कि जहां प्रत्याशी के प्रति जनता की नाराजगी है, जहां प्रत्याशी की अलोकप्रियता वो भारी पड़ रही है। 80-80 आपको नहीं लग रहा है दोनों में से कोई भी निकालेगा? जी नहीं, 80-80 टक्कर है। नहीं, 80 तो सवाल ही नहीं उठता कोई। उत्तर प्रदेश में जब ये लोकसभा चुनाव चल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी यानी एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, लेकिन उसके बीच भी एक शख्स है जिनके कारण कहा जा रहा है कि काफी हद तक समीकरण बदल गया, खासकर उनके एक स्टेटमेंट के बाद। रघुराज प्रताप सिंह, जिन्हें लोग प्यार से राजा भैया पुकारते हैं, उन्होंने कह दिया अपने समर्थकों से कि जिसको वोट करना है कर दो। बहुत स्वागत है आपका जी। स्वागत आपका बेटी में, कुंडा में। ऐसा क्यों कहा आपने? श्वेता जी, जनसत्ता दल का गठन किया और नया दल और छोटा दल ही सही, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में कांग्रेस और बसपा से बड़ा है। इसको हम फिर से स्पष्ट कर दें कि बसपा एक है, कांग्रेस दो है और जनसत्ता दल तीन है, दो एमएलए एक एमएलसी। तो स्वाभाविक है कि कोई राजनीतिक दल है तो वो चुनाव लड़ाएगा, किसी से गठबंधन होगा। पिछली बार हम लोग 2019 दल गठन होने के 6 महीने के अंदर चुनाव हुए और हम लोगों ने कुंडा और बाबागंज दोनों विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं, हम लोग जीते, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी हमको। गठबंधन का दौर है, छोटा या बड़ा कोई भी दल हो वो गठबंधन करता ही है और ये पॉलिटिकल नॉर्म हो गया है। हमारा नहीं हो सका किसी से, तो अब ऐसे में निर्णय ये लेना था कि जो कार्यकर्ता या समर्थक वो बार बार ये पूछ रहे थे कि हमको क्या करना है, किससे करना। हमने ये निर्णय लिया कि यदि गठबंधन नहीं होता है तो हम अपना प्रत्याशी नहीं लड़ाएंगे, और वही किया भी हमने। अब जब समर्थक ये पूछते हैं कि हमको मतदान कहाँ करना है, तो हमने एक कार्यकर्ता बैठक बुलाई, सबसे राय लेने के बाद ये निर्णय लिया कि सबकी राय आई, विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन था, तो उसमें यह कि आपकी जहां इच्छा हो, जहां मन हो, आप लोग वोट दीजिए। और उसका कारण यह था कि अगर हम किसी को वोट देने के लिए कहते हैं तो हमारा नैतिक दायित्व तो भी होता है कि वो मतदाता के सुख दुख में खड़ा रहे। ये गारंटी लेने में हम सक्षम नहीं थे, इसलिए हमने ये कहा कि हम तो वही हैं, हमेशा रहेंगे आपकी सेवा के लिए, लेकिन हम किसी की गारंटी नहीं ले सकते हैं कि वो आपके सुख दुख में खड़ा रहेगा या नहीं। तो आपको जहां मतदान करना हो करिए। प्रत्याशी भी आए, जो लोकसभा के प्रत्याशी हैं, प्रतापगढ़ के भी, कौशाम्बी के भी, तो हमने कहा आप जाएं जनता के पास, और हम ये कह चुके हैं। मतलब बीजेपी से आप नाराज हैं? नहीं, हम किसी से नाराज नहीं, किसी से नाराज नहीं है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को हम किसी के प्रचार में लगा दें और फिर उनकी कोई पहचान न बने या कोई उनका वजूद न माने, तो उससे हमारा या हमारे दल का कोई लाभ नहीं। अमित शाह आपसे मिलने आए थे? नहीं, मतलब हम मिलने गए थे। आप मिलने गए थे अमित शाह से? मुलाकात आपकी हुई थी उस समय, सबको ऐसा लगा कि शायद बात बन गई। बहुत अच्छी भेंट रही, बहुत अच्छी भेंट रही, और बड़ा सम्मान किया उन्होंने हमारा, बड़ा अपनत्व भी मिला, अच्छी बात। कई विषयों पर बात हुई, अब वो सारे विषय यहाँ पे उचित नहीं होगा कि हम कहें, बहुत अच्छा हुआ। तब तक नामांकन हो चुके थे, जो नामांकन होने थे वो सब हो चुके थे, उसके बाद की ये भेंट की बात है, तो आगे देखते हैं जो भी होगा, लेकिन इस लोकसभा के चुनाव में हमने यही कहा है। नहीं, क्योंकि जब राज्यसभा के लिए जब वोटिंग चल रही थी उस समय सब सोच रहे थे कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, क्या बीजेपी के साथ, और आखिरी समय में जब आपने पत्ते खोले तो सबको चौंकाया था, लेकिन हर बार चौंका ही रहे हैं। नहीं, हमने पत्ते नहीं खोले। देखिए, ऐसा है कि द्विवार्षिक चुनाव है, 5 ही राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद भी है भारत में, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है, हर 2 वर्ष पे विधान परिषद का, हर 2 वर्ष पे राज्यसभा के चुनाव होते रहते हैं, और पिछले 6 बार से
भारतीय जनता पार्टी के कहने पे और राज्यसभा और विधान परिषद दोनों में बिना किसी शर्त बिना किसी नखरे के हम मतदान करते रहे हैं। हम ही नहीं करते रहे बल्कि विनोद सरोज जो दूसरे विधायक हैं जनसत्ता दल से बाबागंज से उन्होंने भी किया। राज्यसभा चुनाव में आप ये भी आपने तो बहुत चुनाव देखे हैं ये भी देखा होगा कि लोग बार्गेनिंग करते हैं सौदेबाजी करते हैं अपनी शर्तें रखते हैं। हमने कभी कोई शर्त नहीं रखी कभी कोई सौदेबाजी नहीं करी कभी कोई नखरा नहीं दिखाया। तो अनवरत इन 6 वर्षों से अधिक से हर चुनाव में यहां तक कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे उनको वोट दिए। तो इस वजह से लोगों का ये मानना है कि ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा या विधान परिषद के प्रत्याशी को वोट देते आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इनके विषय में सोचना चाहिए ऐसा एक परसेप्शन लोगों के बीच में है उस नाते आप ये कह रहे हो तो अलग बात है लेकिन हमको आज की तारीख में यही सबसे अच्छा लगा और यही सब कार्यकर्ताओं की राय भी है। तो हमने सबको स्वतंत्र कर दिया कि आप अपने विवेक से अपनी बुद्धि से मतदान करें। नहीं इसलिए भी मैं पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा लगा जैसे भले ही नेताजी से आपके रिश्ते अलग रहे हों लेकिन अखिलेश यादव के एक स्टेटमेंट से आपने काफी दिन तक उनसे दूरी बनाए रखी थी कुंडा को लेकर जो उन्होंने कहा था। बीच में कुछ तलखी आ गई थी आप सही कह रहे हैं लेकिन समय के साथ वो दूर हो गए। तो अभी आपके मन में कौन है? हम किसी से कोई दुर्भावना नहीं कोई कुछ नहीं हम एकदम प्रसन्न हैं और अपने निर्णय से संतुष्ट हैं और हम ही नहीं संतुष्ट हैं हमारे सारे कार्यकर्ता समर्थक सभी मतदाता और जनसत्ता दल के जो भी पदाधिकारी हैं सबको हमने यही संदेश कहा सब संतुष्ट हैं। कोई कार्यकर्ता कंफ्यूज हुआ कि किसी को भी वोट देने का मतलब क्या होता है राजा भैया? हाँ आप देखिए ये कोई विधायक या कोई दलीय नेता ऐसा निर्णय नहीं लेता है ये बात सही है। कोई किसी न किसी को समर्थन करने का ऐलान करता ही है और हमारे ख्याल से अपने इस 31 वर्ष के राजनीतिक जीवन में दूसरा कोई उदाहरण ऐसा हम ढूंढने लगेंगे तो मिलेगा नहीं कि चुनाव के समय किसी ने यह कह दिया हो कि आपका जहां मन हो जहां इच्छा हो वहां मतदान करें। वो सुनेगा तो अच्छी बात है नहीं सुनेगा हम तो हैं सेवा करने के लिए। तो यही चीज हमने कही। आपकी उस स्टेटमेंट के बाद आपको फोन कॉल्स आए हैं? उसके पहले भी आए उसके बाद भी आए लोग आए प्रत्याशी भी आए मिलने कार्यकर्ता भी सब समर्थक हम कहे आप लोग जाइए जो प्रत्याशी आपसे संपर्क करे अपना एजेंडा बताए जिसपे आपको भरोसा हो जो करना हो करें। आपको लगता है आपके निर्णय से प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीटें फंस गई हैं? नहीं हम देखिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक आप ये कहिए कि जनसत्ता दल जैसे 1,95,000 के लगभग हमको जनसत्ता दल यहां लोकसभा के वोट मिले थे तो एक बहुत बड़ा वोट बैंक वो फ्री हुआ है या ये कहा जाए कि हमने उसको खुला छोड़ दिया है। अब जिसको चाहिए वो जाके सीधे जनता से संपर्क करे। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर आपका क्या विचार है? यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और ये हम हृदय से कह रहे हैं कि उन्होंने देश को ऊपर उठाने में भारत का नाम करने में बहुत काम किया है और कई ऐसे निर्णय लिए हैं जो उनके अतिरिक्त दूसरा कोई प्रधानमंत्री नहीं ले सकता। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर? योगी आदित्यनाथ जी भी कुशल प्रशासनिक क्षमता उनकी है और उससे भी अधिक हम पारंपरिक रूप से हम सब लोग गोरक्षनाथ पीठ के अनुयायी रहे हैं और वहां के पीठाधीश्वर होने के नाते और जो भी गोरक्षनाथ पीठ का अनुयायी होगा उसको लगेगा कि मुख्यमंत्री पद तो बहुत छोटा है पीठाधीश्वर के आगे। आपको इस बार उत्तर प्रदेश में क्योंकि दोनों तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं दोनों गठबंधनों की ओर से आप किसी का हिस्सा अभी नहीं है इसलिए शायद आप एक विश्लेषक के रूप में आप बेहतर विवेचना कर पाए। जो भी विश्लेषण करना हो आप पूछ सकते हैं। टक्कर चल रही है बताएंगे आपको। टक्कर चल रही है यूपी की सीटों पर। हाँ कई सीटें फंसी हुई 80 स्वीप कर सकती है बीजेपी। देखिए कई सीटें फंसी हुई हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे देखिए आपने हमारी पदोन्नति कर दी अच्छा किया धन्यवाद इसके लिए। कई सीटें ऐसी हैं कि जहां प्रत्याशी के प्रति जनता की नाराजगी है जहां प्रत्याशी की अलोकप्रियता वो भारी पड़ रही है और ऐसी कई सीटें हम नाम नहीं लेंगे ना आप पूछिएगा लेकिन ये समस्या अभी है क्योंकि जीतने के बाद प्रत्याशी का जो कार्यशैली जो व्यवहार जो क्षेत्र में देखिए हम सब लोग जनप्रतिनिधि हैं ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए और
जनप्रतिनिधि का पहला दायित्व तो जनता जनार्दन के प्रति होता है, और जो व्यवहार हमारा चुनाव लड़ते समय होता है, विनम्रता का, शालीनता का, सरसुलभता का, वही व्यवहार अगर चुनाव जीतने के बाद अगर कायम रख पाए कोई, तो ये बहुत बड़ी सफलता होती है। और इस चीज को हमने विधानसभा में जो नए विधायक जो हुए उनको संबोधित करने के लिए वरिष्ठ विधायकों की एक गोष्ठी भी बुलाई जाती है, हमने वहां भी कहा, हमने सातवां जी हमारा सातवां टर्म जी सातवां टर्म है, 31 वर्ष पूरे हो गए उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो 80 की 80 आपको नहीं लग रहा है दोनों में से कोई भी निकालेगा? जी नहीं, 80 टक्कर है। नहीं, 80 तो सवाल ही नहीं उठता कोई जीते, 80 नहीं जीते। और ये भी आप कह रहे हैं कि इस बार कैंडिडेट के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के नेतृत्व के नाम पर मिल रहा हो। नेतृत्व के नाम पे पड़ते हैं बिल्कुल, लेकिन कैंडिडेट भी जनता देखती है बड़ा महत्वपूर्ण। देखिए, इसीलिए सर्वे कराए जाते हैं, इसीलिए पूछा जाता है कि साहब, और इसीलिए टिकट बदले भी जाते हैं। तो कैंडिडेट भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक, अब आप देखिए ना, बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कोई जाति समीकरण उनके पक्ष में नहीं, लेकिन वो निर्वाचित होते चले आ रहे हैं। तो ऐसे भी बहुत लोग हैं, बहुत से लोग हैं जिनके व्यवहार की, शिष्टाचार की लोग प्रशंसा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कहते हैं कि नहीं, ये तो जब से जीता तब से घमंडी हो गया, सीधे मुंह बात नहीं करता है, मिलने का समय नहीं देता है, फोन नहीं उठाता है। तो ये दीज थिंग्स मैटर, ये चीजें बहुत मायने रखती हैं। चूंकि राजपूत समाज के भी आप एक बड़ा नाम है और पार्टी से अलग एक नेतृत्व भी आपका समाज का, ये बहुत चर्चा इस बार हुई कि समाज नाराज है भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए सरकार से, गुजरात के भीतर खासकर एक कैंडिडेट को लेकर, राजस्थान के भीतर कहा गया, क्या आपको उत्तर प्रदेश में यह महसूस हुआ है? आप ही लोगों के माध्यम से जो देखने को मिला पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में, ये बातें उभर के आई थी सामने, लेकिन अब वो शांत हो रहा है, मेलो डाउन हो रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। मतलब ग्राउंड पर आपको देखिए नाराजगी थी, इससे हमको कोई हम इनकार नहीं कर रहे हैं, और बिल्कुल नाराजगी थी, उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि उसको कुछ अन्य राजनीतिक दलों ने भी हवा दी हो सकता है, लेकिन नाराजगी थी। और ये नाराजगी चाहे किसी ने भी हवा दी हो, हमने कहा हो सकता है, हो सकता है हवा न भी दी गई हो, लेकिन हाँ नाराजगी थी। उसको एड्रेस करने की कोशिश हुई है? जितना आप लोग के माध्यम से हमको पता चला है, आप उसमें किसी तरीके से इन्वॉल्व नहीं रहे? नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं। हम ये भी बता दें कि लगभग 4 लाख मतदाता हैं कुंडा में, और मात्र 10,000 ठाकुर हैं यहाँ पे, और अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां एक भी घर क्षत्रिय का नहीं है। तो सभी वर्गों का आशीर्वाद उसने हमको मिलता है तभी। और दूसरी बात, क्षत्रिय समाज एक स्वाभिमानी समाज है, और क्षत्रिय समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ करके देखा जाता रहा है अभी तक। ये तो आप मानेंगे कि बहुतायत में क्षत्रिय समाज वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। तो हो सकता है कहीं अपनों से चोट लगी हो, तो उसको मनाने का प्रयास, उसकी प्रक्रिया। पर राजा भैया को कोई चोट नहीं लगी आप कह रहे हैं? देखिए, समाज आहत होता है तो सब आहत होते हैं, हम समाज से अलग थोड़ी हैं। निजी तौर पर या राजनीतिक तौर पर? नहीं, आप इसके अलावा आप बात कर रहे हैं? जी जी। नहीं, देखिए, यदि हमारा गठबंधन होता किसी दल से तो ठीक है, हमारे प्रत्याशी मैदान में होते, लेकिन ईश्वर जो करते हैं, बहुत कई चीजें ऐसी अभी तुरंत आपको अच्छी न लगे, उनका दूरगामी परिणाम अच्छा हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से हम बहुत संतोषी व्यक्ति हैं, प्रसन्न हैं। शांत होकर देखना चाहेंगे कि आगे क्या होता है? नहीं, और देखिए, इस स्थिति में आकर के आप खुद कल्पना करिए, प्रत्याशी हमारा कोई लड़ नहीं रहा है, गठबंधन हमारा किसी से हुआ नहीं है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कहां कूदा दें, किसके पीछे कूदा दें और क्यों कूदा दें, ये 3 सवाल है। पर आपके समर्थक आपके साथ पूरी निष्ठा से उनको समझाना पड़ा। हम कहे देखिए, ये परिस्थिति है, आप हम कहें छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव है, आप अपने पसंद का चुनिए, आपकी आशाओं पे वो खरा उतरे, ये हमारी कामना है, जिसको भी आप चुने, नहीं तो फिर हम तो हैं, हमने तो यही जो काम कर देगा जी।
पर आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से भी अब नहीं? नहीं, किसी से नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। अब खुल अब के सब बयानों के साक्षात्कारों में हम एकदम खुल के, और मंच से भी हम, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि साहब मंच से आपने ये कहा, अच्छा अब बताइए, तो हम कह रहे हैं जो हमने वहां कहा वही यहां भी कह रहे हैं, तो खुल के। और देश में आपको लगता है कि जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो होने वाला है, यानी उनकी हैट्रिक और 400 पार? अब इस पे थोड़े दिन हमको और अध्ययन करने का मौका दीजिए तब बता। मतलब पूरे 7 चरण के बाद? जी। अभी न मन में किसी को लेकर द्वेष? ना 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 ना। न मन में किसी को लेकर समर्थन? नहीं कोई अवसाद जी, नहीं कोई अवसाद, एकदम निश्चिंत हैं, खूब प्रसन्न हैं। और चुनाव के उपरांत देखेंगे? चुनाव के उपरांत। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।